हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि देश के सभी राज्यों की सरकारें अपनी जनता के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें बढ़ गईं और पंचायत चुनाव निर्भर करेंगे कि संक्रमण कम हो रहा है या नहीं। इस बात पर सीएम योगी का आदेश, कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिन की लीव। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं समाचार विस्तार से। पटना राज्य ब्यूरो, बिहार पंचायत इलेक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव अब पूरी तरह कोरोना वायरस संक्रमण की चाल पर निर्भर हो गया है। एक पखवाड़े के भीतर हालत में सुधार होता है तो चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस अवधि में अगर संक्रमण की मौजूदा रफ्तार कायम रही तो राज्य निर्वाचन आयोग ऐलान कर देगा कि फिलहाल मतदान संभव नहीं है। नई बात यह है कि आयोग ने 22 अप्रैल से होने वाले निर्वाची अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को टाल दिया है। प्रशिक्षण 22 से 24 अप्रैल के बीच होने वाला था। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण में प्रतिदिन 3-3 प्रमंडलों के निर्वाची अधिकारियों को प्रशिक्षण लेना था। निर्वाची अधिकारियों से संबद्ध संगठन पहले से ही पंचायत चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। निर्वाची अधिकारियों का प्रशिक्षण स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैजू कुमार सिंह ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्वाची अधिकारियों के प्रशिक्षण को स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पूरा क्षेत्रीय प्रशासन कोरोना से बचाव में लगा हुआ है। 15 दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा के बाद प्रशिक्षण की नई तारीख घोषित होगी। क्या है आयोग की कार्ययोजना? पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की कार्ययोजना पूरी तरह कोरोना पर निर्भर हो गई है। सूत्रों ने बताया कि आयोग 15 दिनों तक महामारी की गति को देखेगा। इस अवधि में संक्रमण की दर में गिरावट और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। गिरावट या वृद्धि नहीं हुई और स्थिति यथावत बनी रही उस हालत में भी चुनाव का ऐलान नहीं होगा। एक तरफ हो रहा है विरोध। कोरोना काल में पंचायत चुनाव का हर तरफ विरोध हो रहा है। चुनाव कराने वाले निर्वाची अधिकारियों के संगठन ग्रामीण विकास सेवा संघ ने 14 अप्रैल को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चुनाव टालने का अनुरोध किया था। इस आशय का एक पत्र राज्यपाल को भी लिखा गया है। राजस्व सेवा संघ, सहकारिता पदाधिकारी संघ और नियंत्रण सेवा संघ ने भी इस समय पंचायत चुनाव का विरोध किया है। इन्हीं सेवाओं के अधिकारी पंचायत चुनाव के निर्वाची अधिकारी होते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाची अधिकारी बनाया जाता है। आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी। प्रखंड और अंचलों में तैनात सरकार के अधिकारी इस समय कोरोना आपदा प्रबंधन का पूरा काम देखते हैं। ग्रामीण विकास सेवा संघ के अधिकारियों का तर्क है कि कोरोना आपदा प्रबंधन अपने आप में पूर्णकालिक काम है, उसके साथ पंचायत चुनाव का संचालन उनसे संभव नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, वे बीमार हो रहे हैं, उनकी मौतें भी हो रही हैं। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश की। देश में महामारी कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने सभी निजी सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ितों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है। इस फैसले से कोरोना संक्रमित पीड़ितों को एक बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिस्प्ले करने होंगे। इसके साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ते भी देने होंगे। वहीं बता दें कि भारत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अब 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। मंगलवार देर रात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। आदित्यनाथ ने ट्वीट किया
कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस की हार होगी भारत की जीत। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस कार्य को करने का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि हमें टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाना है, तय आयु वर्ग के लोगों का डेटाबेस तैयार करना है। सोमवार को केंद्र सरकार ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका दिया जाएगा। वर्तमान में केवल 45 से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा था। टीके की कमी को लेकर आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य अब निर्माताओं से सीधे खुराक खरीद सकते हैं। 2 लाख से अधिक सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गया है। 918 नए मामले सामने आने के बाद 31 मार्च से कोरोना मामलों में भयावह बढ़ोतरी देखी गई। मंगलवार को लगभग 30,000 नए कोरोना मामलों का पता चला है। राज्य में नए मामलों में लगातार हो रहे उछाल से पहले ही चरमरा रहे स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया है। अब बड़े शहरों में भी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। दूसरी चिंता का विषय ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना है। अब प्रस्तुत है दोस्तों उत्तर प्रदेश शासन का आदेश अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020। चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि राज्य कोविड-19 रोग के फैलाव से संकट ग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है, और संप्रत प्रवृत्ति विधि के सामान्य उपबंध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं, अतएव अब हमारी महामारी अधिनियम 1897 अधिनियम संख्या 3 1897 की धारा 2 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली विहित करती है। पहला, कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों कर्मकारों जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक्करण में रखे गए हों, उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान नियुक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान प्रस्तुत करेंगे। ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बंद हैं, के कर्मचारी कर्मकारों को ऐसे अस्थायी बंदी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित योजित हों को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट और मुख्य द्वार पर को कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किए जाने के तत्काल पश्चात प्रवृत्त होगा। आज्ञा से सुरेश चंद्रा, प्रमुख सचिव। तो दोस्तों यह रही आज की विशेष खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।